हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एमसीबी टेस्ट के बारे में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि एमसीबी टेस्ट क्यों किया जाता है, इसके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, और यदि इसका रेंज बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एमसीबी के बारे में। एमसीबी क्या होता है दोस्तों? एमसीबी का फुल फॉर्म मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है, और एमसीबी में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। एमसीबी ब्लड टेस्ट के द्वारा आपके खून में रेड ब्लड सेल्स के औसत आकार को मापा जाता है। अगर आपके रेड ब्लड सेल्स बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको खून से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे कि एनीमिया या विटामिन डी की कमी, या फिर और कोई मेडिकल कंडीशन हो सकता है। एमसीबी ब्लड टेस्ट सीबीसी ब्लड टेस्ट का एक पार्ट होता है। इसे अक्सर सीबीसी ब्लड टेस्ट के साथ किया जाता है। इस टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू 80 से 100 एफएल के बीच होना चाहिए। अगर आपके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, त्वचा पीले रंग की है, आप हर समय बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, और अगर कहीं भी कट जाने से नॉर्मल से ज़्यादा अगर खून बह रहा है, जैसे कि कहीं भी कट जाए तो बह रहा है, अगर आपके रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल से छोटे हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपको आयरन डिफिशेंसी एनीमिया है, या फिर कोई दूसरे प्रकार का एनीमिया है, या फिर आपको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल से बड़े हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप में विटामिन बी की कमी है, या फिर फोलिक एसिड की कमी है, या फिर लीवर की कोई प्रॉब्लम है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड की कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपके एमसीबी नॉर्मल रेंज में नहीं है तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आपको कोई बीमारी है। खानपान, एक्टिविटी लेवल, कुछ दवाओं और कुछ कारणों की वजह से भी एमसीबी के रिजल्ट में असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, जब भी एमसीबी सी कराते हैं तो उसमें एमसीबी का रिजल्ट आता है, इसे पता कर सकते हैं कि एमसीबी कम या ज़्यादा होने से क्या दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह इस बार भी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।